कुछ हो मुलायम सिंह चलो जी जगह सर मुलायम सर और ये बम बम सर बोल रहे अहम किरदार अदा कर चुके हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरा नाम मीना सेठी मंडल है जी और मैं एडुकेशन फील्ड से हूँ। मेरे 3 बोर्डिंग स्कूल्स चलते हैं कोलकाता में और एडुकेशन से मैं इस प्रोफेशन में आई क्योंकि मुझे फर्स्ट ये मेरी मैं कहूँगी कि मेरी फर्स्ट मूवी है जो कि मैंने प्रोड्यूस की है। मुझे सबसे मेन चीज़ है क्योंकि मैं एक एडुकेशनिस्ट हूँ एक टीचर हूँ तो इसमें शिक्षादायक इतनी कुछ है इसमें कि कैसे एक बच्चा जो रेसलिंग करता है कुश्ती करता है और हाउ ही ग्रू अप तो इसको हम चाहते हैं कि हमारे आज की जनरेशन देखे और उनके बारे में जाने कि आज की दुनिया में बच्चे रियली कुछ करना नहीं चाहते। नॉर्मल जनरेशन आजकल अपने ऊपर उनको कुछ मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये मूवी देखने से उनकी कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ेगी ये मैं उम्मीद करती हूँ और कुछ शिक्षा मिलेगी उनको कि ताकि दुनिया में इंसान मेहनत करे तो आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो बीइंग अ टीचर आई हैव टुक अप दिस चैलेंज कि सबको ये शिक्षा जरूर मिले स्पेशली खड़े-खड़े आपको ऑफर मिल गया दीप जी। नहीं इट्स माय ऑनर अगर उन्होंने ऐसा सोचा है वो बहुत ही स्ट्रांग हमारी लेडी है एंड दबंग औरत है अगेन उन्होंने अपना नाम बनाया तो व्हाई नॉट आई एम एन एक्टर आई जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट माय सेल्फ एज हर दैट्स इट। इस फिल्म के राइटर है जिन्होंने इस फिल्म को जन्म दिया है वो हमारे राशिद सर जी। राशिद सर बिना लिखे तो कुछ नहीं हो सकता था। सर किस चीज को पुराया गया है किस चीज को नहीं छोड़ा गया है कहीं चीजें क्या कहा आपने किसको पूरा मुलायम सिंह की कहीं कहीं बातें कहीं कहानियां कहीं चीजें हैं। नहीं सर मुलायम सिंह की जर्नी जो है बहुत लंबी है बहुत लंबी जी और हमने उतना नहीं कवर किया है। हमने वहां तक कवर किया है जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं 89 में बचपन से लेके वहां तक शादी से लेके वहां तक और पूरी फिल्म एक कमर्शियल फिल्म जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म जिसमें गाने हैं मारपीट है जिससे ऑडियंस बैठ के देखती है। अभी आप ट्रेलर देखेंगे ट्रेलर देखने के बाद आपको दो बार देखने का दिल करेगा फिल्म जब आप देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि इसे एक बार और देखा जाए क्योंकि जब भी बायोपिक बनती है तो लोग ये सोचते हैं यार अब उसके बारे में आया होगा उसकी अपनी कहानी शुरू हो जाएगी उसका रोना धोना ये वो तमाम बहुत ही रस्टिक फिल्म है। अब जैसे महमूद भाई से आपने पूछा कि इसमें कितना फिक्शन डाला है आपने फिक्शन हमने डाला है लेकिन उनके इवेंट्स को जो भी इवेंट्स हैं उनके ऊपर गोली चली उनकी बीबी बीमार हुई उनके घर में कलह हुआ तमाम सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लेकिन ग्लैमराइज करके फिल्म को जब हम देखते हैं तो फिल्म अगर हम बहुत ही आसान तरीके से देखें तो हमको वो खींचती नहीं है हम उसको ऐसा बना देते हैं कि हम जुड़ जाए उसमें तो हम लोगों ने कोशिश की मेरी पूरी टीम ने कोशिश की है उसके पीछे पूरा रिसर्च रहा है। मैं 2 महीने लखनऊ में छुप के था किसी को मालूम नहीं अखिलेश जी से 2 बार मिला मुलायम जी से 2 बार मिला अखिलेश से फिर बाद में 6 बार इनके साथ मिला। अखिलेश से मिलना मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आप समझ लिए कि बहुत बड़ा टास्क था अंदर हम लोग घुसते थे धक्का खा के। अब एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं उनकी सिक्योरिटी ने मुझे पहचाना नहीं मेरा गला पकड़ के नाटा आदमी 4.5 फीट का ऊपर कर दिया और मैं चिल्ला रहा भाई छोड़ दे मैं आया हूँ हमको कहा जाता महाराष्ट्र वाले आए हैं तब हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए और फिर अखिलेश से मिलने के बाद उनसे तरह तरह का सवाल तरह तरह की बातें रियलिटीज़ जितनी हैं वो सब हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला चाहे वो अखिलेश जी हों और वो मधुकर जी हैं राय साहब हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। नहीं सपोर्ट किया होता तो इतनी डिटेल्स भी हमें नहीं पता चलती हम इसको लिख नहीं पाते और ना हम इसको फर्दर मूव कर पाते। सपोर्ट बहुत था। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ फिल्म में देख पाएंगे लोगों को नहीं मालूम है फिल्म के बारे में किस तरह से सोच है और क्या जर्नी रहेगी इस फिल्म की पूरी बचपन की कहानी रहेगी मुलायम सिंह की किस तरह नहीं ये फिल्म है इमरजेंसी से शुरू होती है जहाँ से मुलायम सिंह जी टर्न हुए एक पहलवानी से टूवर्ड पॉलिटिशियंस एक आंदोलन चला था बहुत मशहूर आंदोलन है तो वहाँ से प्रेरित हुए थे और वहाँ से मुख्यमंत्री बनने तक की जर्नी है उनकी और स्पेशल इसलिए है कि एक आम आदमी जब गांव देहात से निकल कर CM की कुर्सी तक पहुँचता है तो इट इज़ अ रियली बिग थिंग। एक हर आम इंसान को लगता है
कि ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। और कौन आर्टिस्ट है, कौन कौन है, कहते हैं आर्टिस्ट के बारे फिल्म में? एक समझ, क्योंकि फिल्म में बायोपिक थी तो मुलायम सिंह जी का स्पेशल कंट्रीब्यूशन था कि हु वी विल बी द मुलायम, तो उसके लिए डायरेक्टर साहब ने अमित को चुना। काफ़ी लोगों की टेस्ट हुई कि कौन इस रोल के लिए फिट, कौन नज़दीक से मुलायम जी दिखे, तो अमित इस प्लेइंग मुलायम सिंह यादव। और दूसरा था इम्पॉर्टेंट पार्ट के उनके साथ के जितने हिस्से थे, जैसे इंदिरा गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में, अब ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी में जो भूमिका निभाई थी इंदिरा जी ने, वो बहुत अहम भूमिका थी, बहुत कंट्रोवर्शियल भूमिका थी, जो आज तक के लिए वो कंट्रोवर्सी चल रही है कि इमरजेंसी वॉज अ कंट्रोवर्सी। और वहाँ से कई नेता जो ज़मीनी नेता थे, जो देहात से जुड़े हुए थे, जो आम इंसान थे, वो टूवर्ड आए पॉलिटिशियन की तरफ, उनको लगा कि एक आंदोलन चलाना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। उसमें मुकेश तिवारी जी दिखेंगे, जरीना वहाब जी दिखेंगे, सना शेख दिखेंगे, तो काफ़ी कई आर्टिस्ट है फिल्म में भरे हुए, जिसमें हर इम्पॉर्टेंट मेमो चक्रवर्ती है मिथुन जी का बेटा, तो काफ़ी कैरेक्टर्स है इस फिल्म में। कहीं एक बायोपिक बनाने से सिंह यादव अपने आप में बहुत बड़े नेता है। अगर नेता जी की बात करें तो नेता जी का पहला आते ही सबसे पहला मुलायम सिंह यादव आता है। और यूपी जिस वक्त में जल रहा था, जिस वक्त में इमरजेंसी में बहुत सारी मुश्किलात आई, उस वक्त में एक पहलवान ने पहलवानी छोड़ कर पॉलिटिशियन चुना था, तो ये एक अपने आप में बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये जो नई जनरेशन है वो नहीं जानती है कि ये कैसे बने थे, तो ये नई जनरेशन को प्रेरित करने के लिए हमने मुलायम सिंह जी को चुना। और राशिद भाई ने जब इसका सब्जेक्ट लिखना शुरू किया तो सबको प्रेरित किया कि ये फिल्म बननी चाहिए और इस फिल्म को पर्दे तक पहुंचना चाहिए। इस फिल्म में मुलायम सिंह यादव का किरदार निभा रहा हूँ। कितनी तैयारी की आपने मुलायम के किरदार के लिए, क्या कहना चाहिए? मुलायम जी के किरदार को निभाने के लिए काफ़ी कुछ तैयारी करनी पड़ी मेरे को। सबसे पहले तो मुझे कुश्ती सीखनी पड़ी, जिसके लिए मैं 3 महीने रोहतक में था, वहाँ पे मैंने कुश्ती सीखा, कुछ बेसिक्स वहाँ पे ये मैंने लर्न किया वहाँ पे कुश्ती के बारे में। फिर काफ़ी बॉडी को लेके काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, काफ़ी कभी वेट लूज करना पड़ा, कभी थोड़ा वेट गेन करना पड़ा, तो काफ़ी कुछ ग्राफ रहा है मेरे इस मूवी के शूटिंग के टाइम पे। और इसकी शूटिंग हो चुकी है या होनी है, बाकी है कितना? मूवी इज कम्प्लीटली रेडी फॉर रिलीज। आपके साथ में कौन स्टार कौन है? मेरे संग में सना अमीन शेख है, जो मालती देवी का रोल कर रही है, जो मुलायम जी की वाइफ है। विमो चक्रवर्ती है, जो शिवपाल का रोल कर रहे हैं। मुकेश तिवारी जी है, जो नथु राम जी का रोल कर रहे हैं, जो कि आइडल थे मुलायम जी के। राम मनोहर रोहिया जी का रोल कर रहे हैं प्रकाश बिलोड़े जी। आपका गोविंद? कहना चाहूँगी कि मैं इस फिल्म में एज एन एक्टर कोई हिस्सा नहीं है मेरा, बट इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर है मीना जी, राइटर है हमारे राशिद जी, अमित जी एंड महबूब जी, इससे हमारा बहुत करीबी फैमिली रिश्ता है, तो आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट देम। एंड जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को नहीं पता थी मुलायम जी के बारे में। एंड जो बायोपिक बना रहे, सबको लगता है कि क्या होगा, हमने वही देखा होगा जैसे राशि जी ने कहा था, बट ही उन्होंने बहुत उसका सर्वे करके और बहुत अच्छी तरह से उसको बनाई है फिल्म। और अमित एक्टेड सुपरबली इन द फिल्म एंड बींग इज फर्स्ट डेब्यू फिल्म। ऑफकोर्स बाकी सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसमें, तो बस मैं एक जरिया हूँ, मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ और मेरी गुड विशेज पूरी टीम के साथ, डॉन सिनेमा के साथ, महबूब जी के साथ और मीना जी, पूरी मुलायम की टीम के साथ है। एंड आई कैन जस्ट टेल देम कंग्रेचुलेशंस। और आई वांट टू टेल यू कि इस फिल्म को ऑलरेडी 8 अवार्ड मिल चुके हैं लिफ्ट में, पूना में। बेस्ट एक्टर ही गॉट इट, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट राइटर मतलब बेस्ट थिंग, बायोपिक एंड कॉस्ट्यूम डायरेक्शन एंड आर्ट। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि फिल्म रिलीज होने से पहले उसको अवार्ड भी मिला है, तो और मैं चाहूँगी और अवार्ड्स मिले। और लोग 2020 के बाद जो घर में बैठे हैं 2021 में थिएटर में जाए, 22 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है, थिएटर में जाए और देखें और ज़रूर देखें, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। ऑफकोर्स वी हैव टू मेक कमर्शियल, so I think Dawn Cinema is releasing on 22nd January in all cinemas and it is coming on OTT platform of Dawn Cinema।